कौन हो तुम? पैसे दो वरना तुम्हारा असली चेहरा सबको बता दूंगा। चलो निकालो, जल्दी निकाल। भाभी, तुम अगस्त्य को धमका रहे थे, क्यों? कैसी बात कर रही हो भाभी आप? मैं भैया को धमकी क्यों दूंगा? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो इस तरह यूं मुंह क्यों छुपा कर घूम रहे? ये तो आजकल का स्टाइल है भाभी, और आप तो जानती है मनी स्टाइल में कभी पीछे नहीं रहता। सिंपल। झूठ मत बोलो, देखा मैंने क्या चल रहा है मनी। अरे क्या चलेगा भाभी, आप फालतू में टेंशन ले रही हैं। छोड़िए ना, ये दो भाइयों के बीच के आपस की बात है, हम संभाल लेंगे। यू जस्ट डोंट वरी, ओके? मैं चलता हूं। भोली सूरत दिल के खोटे, दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। अगर जल्द ही बाकी के पैसे नहीं मिले तो सबके सामने तुम्हारा सारा काला चिट्ठा खोल के रख दूंगा। ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अगस्त्य, तुम्हारे लिए चाय बिस्किट लेकर आई हूँ, शक्कर कम, दूध ज्यादा, और साथ में तुम्हारे फेवरेट बिस्किट। मुझे बहुत जरूरी काम है, बस थोड़ी देर में आ जाओ, फिर खा लूंगा। अगस्त्य पर कुछ से भी अभी गिरना था। मनी, वो ये सब क्यों करेगा? मुझे अगस्त्य से पूछना पड़ेगा ये क्या चल रहा है। चाबी भूल गया मैं। एक मिनट, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मतलब? से अगस्त्य कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। ऐसा क्या किया तुमने जो मनी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? छुप छुप कर उसे पैसे दे रहे हो, वो मुंह छुपाकर घर में आ रहा है और धमका रहा है तुम्हें। ये सब क्या चल रहा है? हवा में नहीं बोल रही हूँ, क्या है? मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, किसने लिखा है लेटर, ये मैं नहीं जानता इसके बारे में। फिर से झूठ अगस्त्य। देखो इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत जरूरी काम है मुझे, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। तो छुपा रहे अगस्त, नजर रखनी पड़ेगी। लो आ गया मैं, आखिर चाहते क्या हो तुम? मनी, वही भाइयों जो सबको चाहिए होता है, पैसा दिया ना मैंने तुझे। पर पैसे की फितरत है ना भाइयों कि जितना भी मिल जाए कम ही पड़ता है, इसीलिए जो भी मांगा है ना, जितना भी मांगा है चुपचाप दे दो, वरना ये पेन ड्राइव दिख रहा है, इसमें आपकी सारी काली करतूतें और जितने भी आपने क्राइम किए ना, उन सबके डिटेल्स हैं। पागल हो गया तू? भाई हूं मैं तेरा। हाँ, रिश्ते से हैं भाई आप, लेकिन कभी मन से माना है मुझे भाई? घर, पैसा, जायदाद
सब पर कब्जा करके बैठे हैं आप। मेरा दिमाग खराब हो गया मनी। इस बार मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा भाई, वरना भाई छोड़। ये पेन ड्राइव किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। चली गई पेन ड्राइव। What the hell? कहां गई? Shit. ऐसा क्या हो सकता है इसमें जो गश्ती सबसे छुपाए रखना चाहता है? अरे क्या हुआ तुम इतने गुस्से में? बस अपना ये नाटक बंद करो अगस्त्य। अरे कौन सा नाटक, क्या हुआ? सच सामने आ गया है मेरे। इतना कैसे गिर सकते हो तुम? क्या क्या बिगाड़ा था मम्मा ने तुम्हारा? क्यों क्यों अगस्त्य? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुझे तुमसे दूर रखा? आई थी ना तुम्हारे पास, मम्मा का साथ छोड़ के तुम्हारा हाथ पकड़ा था ना, ये सिला दिया मेरे भरोसे का, मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का तुमने। पहले मेरा रेस्टोरेंट, फिर मेरी जिंदगी, फिर 20 साल बाद मिली थी मैं उन्हें और एक ही झटके में मार दिया उन्हें। अरे जब मैं अपनी माँ की नहीं सुनता ना तो तुम्हारी माँ कौन होती है? मुझ पर, अगस्त्य बिरला पर अपना हुक्म चलाने वाली। घर जमाई बनाएंगी मुझे। कर दिया उन्हें मैंने भगवान को प्यारा। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें अगस्त्य, ऐसी सजा दिलवाऊंगी ना कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। सारे सबूत है मेरे पास, अभी पुलिस को फोन दो। छोड़ो मेरा, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं फोन दो, छोड़ो। किसी को फोन नहीं करना है तुम्हें, समझ में आई बात? तुम्हें सजा मैं खुद दूंगी अगस्त्य। रुक जाओ छोटी, we'll be right back.
क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं निया के साथ ये सब नहीं, जश्मी से प्यार करता हूँ, उसको मैं धोखा नहीं दे सकता। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझ पे कोई भरोसा नहीं करेगा? कोई नहीं। हमें तुम पर भरोसा है अगस्त्य। हम कभी नहीं चाहते थे कि तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग करें, लेकिन इतना जरूर चाहते थे कि तुम्हारे सामने किसी तरीके से उनका सच लाए और तुम खुद अपना फैसला ले सको। पर अब मैं क्या करूँगा? सब कुछ बिखर चुका है। मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती हुई है तो पुष्पा और निया से। क्या? ये सब जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सब उनका रचा रचाया एक खेल है जिसके शिकार तुम और हमारी बेटी हुए। लेकिन अब कैसे होगा सब कुछ सासू माँ? ये जो प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है उससे मैं और चश्मिश कैसे निकलेंगे बाहर? एक तरीका है जिससे छोटी की आंखों के सामने पड़ा ये झूठ का पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हटाया जा सकता है। माँ गुड्डन को तुम्हें मारना होगा। अब ठीक हो? मेरे पास हो आप? थैंक यू लॉर्ड कृष्ण। ये सब हमने तुम्हारे लिए ही किया है छोटी, तुम्हारे सामने सच लाने के लिए, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और अगस्त्य ने इस सब में हमारा साथ दिया, और क्योंकि मनी ने हमारी बातें सुन ली थी तो उसे भी हमें अपने प्लान में शामिल करना पड़ा। सॉरी, मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। आरफ पे या सोना चाची किसी की बात पर नहीं किया। सॉरी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हें आज भी अपने पति पर भरोसा नहीं। तुमने अगस्त्य पर भरोसा नहीं किया, इसलिए माफी तुम्हें उससे मांगनी चाहिए। नाराज हो? थोड़ा सा। माफ कर सकते हो? चश्मे, जिंदगी हो तुम मेरी। जब से मेरी लाइफ में आई हो ना, सब कुछ बदल गया है। जीने में मजा आने लग गया है। हर रात को इसी एक्साइटमेंट में सोता हूँ कि सुबह उठ के फिर से तुम्हारा चेहरा देखने को मिलेगा। इतना प्यार करता हूँ कि उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तो सॉरी की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बनाया है। और आज जो तुमने किया ना, उसके लिए गुस्सा नहीं, तुम पर गर्व हो रहा है मुझे। I'm proud of you, गुड्डन। हाँ भैयो, गर्व तो मुझे भी बहुत है भाभी पर। वाकई में भाभी एक नंबर है आप, मानना पड़ेगा। अरे एक मिनट, मैंने छोटी बहू के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। हमेशा से जानता था कि ये लड़की हीरा है, हीरा। इसीलिए सबसे ज्यादा गर्व मुझे है। अरे सबसे ज्यादा गर्व हमें है अपनी गुड्डन बहू पर। सही बात है चाची, लेकिन बहू होने से पहले मेरी बहन है वो।
बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ रही है, उसका हंसना खेलना रोना सब मैंने देखा है। मुझसे ज्यादा गर्व और किसी को हो ही नहीं सकता चाची। अच्छा ये क्या बात हुई आरव, मतलब तुम बचपन से भाभी के साथ रहे हो तो तुम्हारा कॉपीराइट हो गया उन पर? नहीं, सबसे ज्यादा गर्व मुझे है भाभी पर। नो बुआ, सबसे ज्यादा प्राउड मुझे है। आप लोगों ने तो बस इनके साथ टाइम स्पेंड किया, बट मैंने इनका नमक खाया है। गुड्डन, मनी ने हमें सब कुछ बता दिया है, अब ये रोना धोना नहीं चलेगा, समझी ना? स्माइल। बड़ी माँ, इस बार तो आपने बिल्कुल डरा ही दिया था, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। देखा, जब हमारे अतरंगी तरीके चलते हैं ना तो फिर किसी की नहीं चलती। और ये बात तो इंडिया की यंगेस्ट सासू मॉम ने प्रूव कर दी, इनकी टक्कर का इस दुनिया में कोई नहीं है, उनका हैंडसम जमाई भी नहीं। एक्सक्यूज मी, पुलिस यहाँ क्या कर रही है? अच्छे टाइम पे भी नहीं आना होता। मनी, जे तू कोई कांड करके आया है बाहर हमें लग रहा है, हैं? मैं तो आपके साथ ही था, मैं क्या करूंगा, मैंने कोई बवाल नहीं किया इस बार। अच्छा आरव? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। हमने भी नहीं बुलाया। हमने बुलाया है इन्हें। माहौल बहुत अच्छा हो गया है, अब ये आपकी कोई नई चाल तो नहीं है ना? हमने इन्हें यहाँ कोई नया ड्रामा तमाशा या चाल चलने नहीं बुलाया है, हमने इन्हें यहाँ सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने बुलाया है। मतलब? निया और हमने सरेंडर करने का फैसला लिया है। हम जानते हैं हमारे ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही सच है, हम अपने सारे गुनाह कबूल करने को तैयार हैं और फिर उसकी जो भी सजा मिलती है हमें मंजूर है। जानते हैं बहुत नफरत करते हो तुम हमसे, शायद एकलौता दुख हमारे मन में रह जाएगा जब हम यहां से चले जाएंगे। हमने तुम्हारे लिए और कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा, हर पल तुमने हमें सुधारना चाहा, लेकिन हर बार हम सही की जगह गलत रास्ता चुनते गए। चिकू, इस बार भी हमने एक आखिरी चाल चली थी ये सोचकर कि शायद हमें हमारा बेटा वापस मिल जाएगा, पर हम गलत थे, हम भूल गए थे कि तुम हमसे छोटी या किसी और वजह से नहीं बल्कि हमारी ही गलतियों की वजह से दूर हो गए हो। वो गलतियां जिन्हें शायद वक्त रहते हमने सुधार लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, हमें हमारा बेटा नहीं खोना पड़ता। इतने गुनाह किए हमने कि शायद ही इसकी कोई माफी होगी, फिर भी हम तुम्हारे सामने अपने हाथ जोड़कर सर झुकाकर माफी मांगना चाहते, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो हमारे दिल पर जो बोझ है वो कभी नहीं उतरेगा। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने गुड्डन, हम हमारी बुराई में इतने डूब गए थे कि हम तुम्हारी अच्छाई देख ही नहीं पाए। आज एक सास अपनी बहू से हार गई,
आखिरकार तुमने ये साबित कर ही दिया कि प्यार से हर किसी को सुधारा जा सकता है। एक सवाल पूछे, क्या तुम हमें जिंदगी में कभी भी माफ कर पाओगी?